हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या हेल्प किचन। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से आलू की चिप्स की रेसिपी बताऊंगी। तो प्लीज़ अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जो भी मेरी वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो आप बिल्कुल ईजी तरीके से बना सकते हो, बिना धूप में सुखाए, बिना इनको उबाले, बहुत ही आसान तरीके से केवल 5 मिनट में आप बना के तैयार कर सकते हो। और आपको जितनी बनानी है ना, आप उतनी ट्राई कर सकते हो बनाकर, बिल्कुल आसान तरीके से बनता है। तो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आलू ले लिए। आलू जो नॉर्मल होते हैं ना, हमारे घर में अवेलेबल हो जाते हैं, वो मैंने लिए हैं। और इस तरीके से आपके पास ये इस तरीके से आलू को जो छीलने वाली होती है वो मशीन ज़रूर होगी, तो इस तरीके से ये मैंने, आप देख सकते हैं, नॉर्मली जो हम कद्दूकस करते हैं ना गाजर को, उसमें आती है इस तरीके से आलू को छीलने वाली, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको बिल्कुल नाइफ से, चाकू से बिल्कुल पतले पतले पीसेस में काट सकते हैं। तो आपको ना इस तरीके से इसको पानी में आलूओं को रखना है, नहीं तो आलू काले हो सकते हैं। और इस तरीके से आपको पानी में आलूओं की चिप्स बना के भी तैयार कर लेनी है। तो इनको ना, सभी को आलूओं को इस तरीके से आपको मैश कर लेना है, इस तरीके से आपको इनको चिप्स बना के तैयार कर लेना है सबसे पहले। तो ये बिल्कुल इस तरीके से पहले आपको अच्छी तरीके से धुल लेना है, और फिर 2 मिनट के लिए आपको इस तरीके से धुलना है। और फिर ना ये मैंने, आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मैंने कपड़ा ले लिया है, ये आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल इनका पानी मैंने हटा दिया था, और फिर इन आलूओं को इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, किसी भी कपड़े के ऊपर, सूखे कपड़े के ऊपर अच्छी तरीके से इसको पोंछ लेना है। पानी का एक भी बूंद इसमें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अंदर से भी ड्राई होनी चाहिए, इतना आपको इसको सुखा लेना है। चाहे आपको इसको 10 मिनट लगे, चाहे 5 मिनट, चाहे आपको इसको फैन में रखना हो, अगर आपको जल्दी आप कर सकते हैं तो आप ना इस तरीके से पोंछ कर ही कर लीजिए। तो इस तरीके से ना मैंने इसको अच्छी तरीके से पोंछ लिया है। इसको आपको बिल्कुल भी, इसके अंदर एक भी बूंद पानी नहीं रखनी है आलूओं की। आलूओं के चिप्स की बनाने की यही ट्रिक है कि कुछ लोग ना इनको गीलियों को ही आलू को फ्राई कर देते हैं, उससे बिल्कुल भी नहीं बन पाती है अच्छी तरीके से। तो अभी भी ये थोड़ी थोड़ी अंदर से सीमी है, तो इस तरीके से ना इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम इस तरीके से अच्छी तरीके से सुखा लेंगे, और फिर फैन की हवा में इनको रखेंगे। तो आपको ना इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से इस तरीके से कर लेना, और ये जो साइड में इस तरीके से टुकड़े जो उसमें कटे थे ना, उसको भी हटा लेना है। तो आप बिना आलू की जो चिप्स छीलने वाली होती है उसके बिना भी आप बना सकते हो। तो ये मैंने तेल लिया है, तो आप ये देख सकते हैं तेल अच्छी तरीके से गर्म है, तो गैस का तो मीडियम फ्लेम करना है इस टाइम हमारे को। और फिर ये जो आलू है ना, उनकी उनको डाल देना है। तो आपको इतना गर्म रखना है कि आप डालें ना तो डायरेक्ट इस तरीके से तेल में अच्छी तरीके से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं। और बिल्कुल भी इनमें पानी नहीं है, ड्राई हो चुकी थी, मैं आपको अभी भी बता देती हूँ। तो इस तरीके से इनको हिलाएंगे, तो इनको ना आपको 30 से 40 सेकंड के लिए इस तरीके से बिल्कुल फुल फ्लेम पर पकाना है। तेल को आपको अच्छी तरीके से गर्म रखना है, और आपको थोड़े से पतले पतले पीसेस ही बनाने हैं, ताकि आपकी परफेक्ट बन के तैयार हो। अगर आप थोड़े से मोटे पीसेस रख देंगे ना, तो होगा ये कि ये थोड़े से सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो इस तरीके से ना आपको अच्छी तरीके से इसको चलाना है। तेल अच्छी तरीके से गर्म है, आपको बता देती हूँ मैं अभी भी। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही इजीली तरीके से बना सकते हैं आलू की चिप्स। और प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार ट्राई करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इसको ना बिल्कुल बाजार जैसी घर पर ही बना सकते हो चिप्स आलूओं की। तो इस तरीके से इनको तो अच्छी तरीके से हमारे को सेक लेना है। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से थोड़ी देर बाद ना ये ऊपर आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसको ना अभी 30 से 40 सेकंड ही हुए हैं, तो आपको दो मिनट लग जाएंगे इनको पकाने में, सेकने में। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना चिप्स, तो बिल्कुल ईजिली वे में बनेंगी चिप्स, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होंगी। तो ये थोड़ी सी क्रिस्प होना स्टार्ट हो रही है अब। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से चलाना है। और अगर आपकी जलना स्टार्ट हो रही है, किसी की जलने लगती है, तो आपको गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है। और अगर ज़्यादा ही जले तो आप लो भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही हाई रखा है इस टाइम गैस का फ्लेम। तो आप ये देख सकते हैं, आपको दिख रही होगी क्रिस्पी बनना स्टार्ट हो रही हैं ये। तो आपको इस तरीके से हिलाते रहना है, आपको इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से ना कुछ आलू की चिप्स तो बन के तैयार हो रही हैं, उनका कलर कितना अच्छा आ रहा है। तो बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं ये। तो मैं आपको इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगी कि आप बिल्कुल क्रिस्पी कैसे बना सकते हो, बिल्कुल जो टेस्टी होती है ना आलू की चिप्स, उस तरीके से कैसे बना के तैयार कर सकते हो वो बताऊंगी। तो इस तरीके से ना आपको इस तरीके से बिल्कुल इसको पकाते रहना है। तो पहले तो आप ये देख सकते हो जो बच रही है ना, उसको हम लोग हटा लेंगे। तो ये इस तरीके से पहला पाव तो हमारा बन के तैयार हो चुका है। और अब मैं आपको दूसरी ट्रिप बताऊंगी बिल्कुल आसान तरीके से, और जिसकी नहीं भी बनती ना उसकी भी परफेक्ट बनेंगी। तो इस तरीके से आप बनाओगे तो इस तरीके से तो बनेंगी परफेक्ट। तो मैं आपको दूसरी ट्रिक बताती हूँ। तो ये मैंने, आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आलू की चिप्स बनके तैयार हो चुकी हैं। तो अब इसमें ना ये मैंने नमक का पानी लिया है, ये पानी में मैंने थोड़ा नमक डाल दिया था। फिर पानी में नमक को मिक्स करने के बाद आपको दूर से 1 चम्मच के लगभग पानी डाल देना, नमक का पानी। तो ये इस तरीके से भी बिल्कुल क्रिस्पी बन जाती है। तो हमारी ये चिप्स बन के तैयार हो चुकी हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितने ईजिली
सही तरीके से। इसमें ना मैंने थोड़ा सा मसाला ऐड कर दिया था और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो आप इस तरीके से एक बार रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए भी आपका धन्यवाद।